बोलिए। तर तुम्ही अतिशय उत्कृष्ट अशी ब्लॉगिंग करता। अच्छा ब्लॉगिंग करता एकदम आवडते आम्हाला। हां घूम रहे रितेश आप? अभी सर जा रहे हैं थोड़ा गर्लफ्रेंड से मिलने। अच्छा गर्लफ्रेंड से मिलना रहे। ये कवरेज भी डॉक्टर महेश पंजवानी मिले रास्ते में चलते चलते, तो इनको भी मैंने ब्लॉग में कवर कर लिया। हेलो एवरीवन, आज मैं अपने ब्लॉग्स में आपको अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं प्रियदर्शनी कॉलेज में, जो अलग अलग बिल्डिंग्स में है, उसका एक छोटा सा ब्लॉग बनाया हुआ है। तो देखते हैं, चलिए हम साथ में। अभी गेट में एंट्री करने के बाद आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा, और राइट में भी एक रोड जाता है। ये राइट में एक जो रोड जाता है वो दूसरे गेट को कनेक्ट करता है डायरेक्टली। बहुत लंबा एरिया, कैंपस एरिया है 1 किलोमीटर का। थोड़ा सामने चलते हैं, तो सबसे पहले जो बिल्डिंग आएगी वो बिल्डिंग में 4 डिपार्टमेंट है, उसको मैं वहाँ जाके एलाबोरेट करता हूँ आप। और राइट साइड में ही आपको एक ग्राउंड दिखेगा, जिस ग्राउंड पे मैचेस होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उसको भी हम कवर करेंगे। यहाँ पे क्लियरली डायरेक्शन दिया हुआ एडमिशन सेल का प्रियदर्शनी कॉलेज के। आप हाय बोल सकते हैं ब्लॉग के अंदर। चलिए ठीक है, यहाँ पे गार्ड भी हमको मिले। अच्छा एक स्टूडेंट भी हमको साथ में मिले हुए। बेटा आपका नाम क्या और आपका ब्रांच कौन सा है? सर प्रज्वल माहौरिया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट। सर मैकेनिकल डिपार्टमेंट से प्रज्वल माहौरिया है हमारे ब्लॉग में जुड़े हुए हैं। और ये ड्रेस कोड आप देख सकते हैं प्रियदर्शनी कॉलेज का, जो कि ब्लू शर्ट है और ब्लू पैंट है। पैंट तो ब्लू नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन ब्लू पैंट है। और सीधा चलेंगे तो देखिए ग्रीनरी आपको बहुत दिखेगी इस कैंपस के अंदर। बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं, नीम के, पीपल के, और जो भी ऑर्नामेंटल्स पेड़ होते हैं। लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पार्किंग स्लॉट है, पार्किंग एरिया। जो सामने बिल्डिंग हमको दिख रही है, पहली बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का ये पार्किंग स्लॉट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही गाड़ी लगाते हैं। अब ये हमारी ये पहली बिल्डिंग, जहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर 4 विंग्स है। यहाँ पे झाजी हमको खड़े दिख रहे हैं इस बिल्डिंग के सामने में, और एडमिशन शुरू है अभी कॉलेज के अंदर। चलिए चलते हैं, और बिल्डिंग में 4 डिपार्टमेंट कौन कौन से वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि टोटल 15 ब्रांचेस हैं। यहाँ पे 1 to 9 आपको ब्रांचेस दिख रही है, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल ब्रांचेस लिखा हुआ है। उसके बाद इमर्जिंग ब्रांचेस 3 हैं, और देन रेयर ब्रांचेस, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी यहाँ पे होते हैं। सब चीज़ें यहाँ पे लिस्ट आउट है, और कितना इनटेक है, कितने ईयर का कोर्स है, ये सब चीज़ें मतलब यहाँ पे एलाबोरेट की हुई है। आप देख सकते हैं जूम करके, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, देन टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, AIDS, इंडस्ट्रियल IoT, रोबोटिक्स, नॉटिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, इतनी सारी ब्रांचेस है। चलिए सामने चलते हैं हम थोड़ा। और अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये बैनर यहाँ पर आपको दिखेगा। ये जो बैनर है यहाँ पे प्लेस्ड स्टूडेंट्स का मतलब फ़ोटो लगाया हुआ है, और कौन सी कंपनी में वो प्लेस्ड हैं। एंट्री गेट पर चलते हैं। एंट्री गेट में देखिए आपको मैं बताया कि ये जो बिल्डिंग है 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अब उसमें ABCD ऐसे 4 विंग्स आते हैं, तो जो हम अभी इंटर कर रहे हैं यहाँ पर आपको 2 विंग्स दिखेगी। एक विंग रहेगा हमारा, दैट इज़ विंग डी, जो कि यहाँ से आता है। अगर आप यहाँ से भी चढ़ सकते हैं, सीढ़ियाँ हैं लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ ये है विंग सी, इसके ऊपर में 3 फ्लोर की बिल्डिंग है यहाँ। और राइट अगर हम लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सामने जाके लाइब्रेरी मिलेगी। अब ये जो लाइब्रेरी है यहाँ पर बनी हुई, तो ये 4 डिपार्टमेंट के लिए जो इस बिल्डिंग के अंदर है, रूम नंबर CGF002 के अंदर। बिल्डिंग सी और डी आपको मैं थोड़ा बाहर से दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। और ये फर्स्ट ईयर की क्लासरूम्स हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ स्टाफ रूम। तो बिल्डिंग सी देखिए यहाँ पे, और बिल्डिंग डी, तो दिस इज़ बिल्डिंग डी आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर क्लासरूम और स्टाफ रूम्स है, और ये बिल्डिंग सी है। तो ये 2 बिल्डिंग स्पेशली फर्स्ट ईयर के लिए हैं। और उसके बाद अगर हम जाते हैं यहाँ पर, ये जो आती है बिल्डिंग ए आती है। बिल्डिंग ए के अंदर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लासरूम्स है, कंप्यूटर लैब्स है, फिजिक्स लैब्स है, केमिस्ट्री लैब है, ये फर्स्ट ईयर के लिए। ये जो आपको दिख रहा है दैट इज़ विंग सी है। विंग सी स्पेशली फर्स्ट ईयर के लिए, और विंग डी भी फर्स्ट ईयर के लिए है। यहाँ पे छोटा सा एक बैडमिंटन का ग्राउंड भी आपको दिखेगा। तो यहाँ से थोड़ा सामने जाते हैं बिल्डिंग ए के अंदर, यहाँ पर 3rd फ्लोर पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर है। ये देखिए हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर हैं। सो चलते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे वाइस प्रिंसिपल सर का कैबिन है, आप देख सकते हैं। नॉलेज सेंटर आपको यहाँ पे दिख रहा है। और फर्स्ट फ्लोर पे अगर हम राइट ले लेते हैं यहाँ पे सामने जाके, फिर आपको वाइस प्रिंसिपल सर का ऑफिस दिखेगा। जो भी अगर प्रॉब्लम से कुछ हो है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इस बिल्डिंग में वाइस प्रिंसिपल सर से बात कर सकते हैं, जो कि सामने जाके लेफ्ट साइड पर है। आपको दिख रहा होगा दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफिस।
चलिए फर्स्ट फ्लोर से अभी नीचे वापस आते हैं और बिल्डिंग बी की तरफ जाते हैं। बिल्डिंग बी में फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अभी तो हम फिलहाल बिल्डिंग ए में हैं। यहाँ से आपको लेना पड़ेगा लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो सामने ही आपको बिल्डिंग बी मिल जाती है। तो ये हम बिल्डिंग ए को अभी क्रॉस कर रहे हैं, ये क्रॉसिंग पॉइंट है। बिल्डिंग बी की तरफ जाने के लिए एक और रास्ता है, छोटा सा पैसेज। जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, यहाँ से भी आ सकते हैं आप बिल्डिंग बी के अंदर। इस बिल्डिंग बी में आपको फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिलेगा और थर्ड एंड फोर्थ पे आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर। तो यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं और ये आपका यहाँ से आएगा फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पर है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और थर्ड फ्लोर पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। और इलेक्ट्रिकल के जो क्लासेस हैं वो होते हैं कुछ क्लासेस, मतलब बिल्डिंग ए में भी होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया थर्ड फ्लोर के ऊपर। सो ये आ जाएगा आपका सिविल डिपार्टमेंट। वैसे ही ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर से भी बिल्डिंग ए में जा सकते हैं। मैं बिल्डिंग बी से भी बिल्डिंग ए में आ रहा हूँ, बट ये रास्ता जो है बच्चों के लिए नहीं है। बट यहाँ से हमको सीढ़ियाँ दिख रही है तो यहाँ से तो हम उतर सकते हैं डेफिनेटली, और यहाँ से हम चढ़ भी सकते हैं। और एक छोटा सा पाथवे है इन बिटवीन द बिल्डिंग ए एंड इट इज़ बी। तो बिल्डिंग बी के अंदर मैं आपको बताया तीन डिपार्टमेंट हैं, एक है सिविल इंजीनियरिंग, एक है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर। चलिए अभी निकलते हैं बाहर और बाकी बिल्डिंग्स में भी देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। मैं आपको अपने इस ब्लॉक के अंदर हर एक बिल्डिंग के हर एक लैब्स तो नहीं दिखा सकता हूँ, बट लेकिन कोशिश करूँगा कि अगले बार हर एक डिपार्टमेंट के लैब्स और जो भी HODs हैं उनके सबको कवर करने का। तो चलिए चलते हैं अभी वापस, इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट देखते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं इस प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में और किस बिल्डिंग में हैं। चलिए फर्स्ट बिल्डिंग से तो हम बाहर निकल चुके हैं, अभी सामने में आपको सीधा ग्राउंड दिखेगा JCP कॉलेज का, ज्योतिबा फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है। यहाँ पर मैचेस भी होती हैं और स्पोर्ट्स भी होते हैं इस ग्राउंड पे। इसको हम भी यूज़ करते हैं, ज्योतिबा वाले भी यूज़ करते हैं, हर एक स्टूडेंट यूज़ करता है। और नवंबर दिसंबर जनवरी में आपके मैचेस रहती है। तो ये हमारा पाथवे है, हम पैदल पैदल चल रहे हैं, मेरी थोड़ी सांस भी फूल गई है। यहाँ से देखिए आप अगर थोड़ा सीधा जाते हैं तो एक लगून लगता है। लगून मतलब एक छोटा सा तालाब जो बरसात के समय भर जाता है, तो बहुत सुंदर नज़ारा रहता है। और यहाँ से एक लेफ़्ट रास्ता है, जो पैदल चलने वाले वो जा सकते हैं अगर उनको डायरेक्टली जाना है एरोनॉटिकल बिल्डिंग ETC या EC के अंदर। तो यहाँ से तो हम पैदल पैदल सीधा चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि बाकी डिपार्टमेंट्स भी कहाँ पे हैं। कुछ मैं कॉलेज के बारे में आपको बता देता हूँ कि यह कॉलेज जो है करीबन 33 ईयर्स ओल्ड है, 1989 में मतलब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और यहाँ पे अभी नियर अबाउट 15 ब्रांचेस हैं और कॉलेज का मर्जिंग हुआ एक्चुअली पिछले साल ही। मर्जिंग होने के बाद ही इतनी सारी मतलब ब्रांचेस यहाँ पे आई हुई है। इसके पहले तीन कॉलेजेस थे, एक था प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जो हमने पहली बिल्डिंग देखी है, उसके बाद एक था प्रियदर्शनी कॉलेज और तीसरा था प्रियदर्शनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसे टोटल तीन कॉलेजेस थे, बट वो पिछले साल पूरे कॉलेज मर्ज हो गए हैं, उनके डिपार्टमेंट मर्ज हो गए हैं। तो इसलिए हमको अभी प्रियदर्शनी कॉलेज में प्रेजेंट में 15 डिपार्टमेंट दिख रहे हैं। थोड़ा सामने जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे ही एक सरस्वती का मंदिर है और सामने में ही आपको ऑडिटोरियम दिखेगा जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी कैपेसिटी नियर अबाउट 1000 रहने वाली है। तो एक बड़ा ऑडिटोरियम बन रहेगा क्योंकि आप देख सकते हैं लेफ्ट में कितना घना जंगल दिख रहा है। और आप देखेंगे मैं कवर कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए दो लोग बैठे हुए हैं इस लगून के पास। ये जो एरिया आपको दिख रहा है PC के जंगल के नाम से भी जाना जाता है। सामने चलते हैं, देखिए राइट साइड पर अगर आप देखेंगे तो ये ग्राउंड दिख रहा है और JCP कॉलेज। और थोड़ा सामने जाएंगे तो नेट दिख रही है जहाँ पे प्रैक्टिस होती है, क्रिकेट प्रैक्टिस होती है, वॉलीबॉल ग्राउंड भी है और बास्केटबॉल ग्राउंड भी है। चलिए अगर हम यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो ये आ गया है सरस्वती मंदिर, एक विद्या का देवी का मंदिर है ये। सामने में जोगी जॉन सर है, जोगी जॉन सर हाय सर बोल दीजिए आप। एक व्लॉग शुरू है यहाँ पे, जोगी जॉन सर बहुत ही फेमस और अच्छे टीचर हैं इस प्रियदर्शनी कॉलेज के। थैंक यू। चलिए अभी सामने चलते, ये वाला हमारा है ऑडिटोरियम और ये तो पूरा ग्राउंड मैं आपको बता दिया हूँ। और सामने चलते हैं, ये मंदिर देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है, मंदिर में हम सरस्वती माता के दर्शन कर लेते हैं। और कुछ बच्चे भी मुझे सामने में दिख रहे हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो उनसे भी बात कर लेंगे। एक अच्छा पाथवे यहाँ से मंदिर की तरफ जाने का,
यहाँ से हम उतरते हैं और फिर सरस्वती मंदिर के पास पहुँचते हैं। देखिए मंदिर का तो गेट बंद है अभी फ़िलहाल, लेकिन एक प्यारी सी मूर्त यहाँ पर सरस्वती माता की, सो सरस्वती माता को प्रणाम हमारी सभी की ओर से। और देखिए बच्चे यहाँ से आ रहे हैं, इस जंगल में घूम रहे हैं। मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ, आप लोगों को मैं कैप्चर कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोग घूम रहे, सांप रहते हैं यहाँ पर, आप लोग घुमा मत करो, ठीक है। ये छोटा सा लेक लगून कहते हैं इसे पीसी का, जो कि बरसात के समय भर जाता है, और एक जंगल एरिया सरस्वती मंदिर के पास में। चलिए सरस्वती मंदिर के बाद निकलने के बाद अभी हम चलते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग की ओर। ये तो ऑडिटोरियम का बिल्डिंग है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इस पाथवे से जाते हैं। ये पेडेस्ट्रियन पाथवे है, मतलब सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए। पार्किंग स्लॉट भी आपको दिख रहा है इस बिल्डिंग का, इसके बैक साइड में भी पार्किंग स्लॉट है रखा हुआ। और सामने में ये जो बिल्डिंग है, दिस कॉल्ड एज द राजीव गांधी आईटी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर के ब्रांचेस हैं वो सब इस बिल्डिंग में हैं, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, CSC, IIT और CET। ऊपर चढ़ने के पहले मैं इस बिल्डिंग को आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज एक वाइट हाउस कहा जाता है इस बिल्डिंग को, प्रियदर्शनी कॉलेज का। चलते हैं अभी ऊपर और कौन कौन से डिपार्टमेंट किस फ्लोर पे हैं उसे भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी, यहाँ पर फोटोग्राफी होती है, क्लासरूम के फ़ोटोज़ होते हैं और एक मेमोरी क्रिएट होती है। चलिए तो आपको ऐसा नज़ारा दिख सकता है बिल्डिंग के ऊपर से, और लगून भी क्लियर दिखता है, एकदम ग्रीन कैंपस आपको दिख रहा है। हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्डिंग इस तरह की नज़र आएगी। अलग अलग लैब्स हैं और थोड़ा भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कोटे सर हाई बोल सकते हैं, मेरा एक ब्लॉग शुरू है यहाँ पे। ये डिपार्टमेंट है, हेलो रोहन, हाई बोल सकते हो तो ठीक है। ये सिटी डिपार्टमेंट का ब्लॉग है फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे लेफ्ट में आएंगे तो इट इज़ IT, और ऊपर वाले फ्लोर पे CSE। आज एग्ज़ाम कौन सा है आज? हाँ आज एग्ज़ाम कौन सा है? अमंता टेक्नोलॉजी का। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के एक्टिव मेम्बर्स हैं जो कि बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं आज। चलिए स्टेयर केस से अगर हम ऊपर चढ़ते हैं यहाँ पर, तो सेकंड फ्लोर पे देखते हैं और कौन सी डिपार्टमेंट है, क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज मेरे लिए भी अभी क्लियर नहीं है। अभी अभी मर्जिंग हुआ है और 15 डिपार्टमेंट आए हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है। तो इस बिल्डिंग में वैसे तीनों आपको डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, CET, IIT और CSE। लेफ्ट साइड में भी आपको यहाँ पर लैब दिखेंगी, और फिर राइट साइड में भी यहाँ पर आपको लैब दिखेंगी। और ये नज़ारा नीचे का, फोर्थ फ्लोर पे क्लासरूम्स है, स्पेशली फोर्थ फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे आपको क्लासरूम दिखेंगी इस राजीव गांधी IIT कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो वहाँ भी जाके हम देख लेते हैं और ऊपर से देखते हैं कि बिल्डिंग दिखती कैसी है। यहाँ पे बच्चे कर क्या रहे हैं बोल सकते हैं आप मुझे? कुछ नहीं सर, बैठे, कैंपस शुरू है अभी। अच्छा कैंपस शुरू है, अमांता टेक्नोलॉजी का आज शायद एप्टीट्यूड है, ठीक है, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। चलिए ब्लॉग है, आप आएंगे आज मेरे ब्लॉग के अंदर। चलिए यहाँ पर ये चंचल मिश्रा, मेरे भाई भी मिल चुके मुझे, अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आज के एग्ज़ाम को। तो यहाँ पे कंप्यूटर लैब्स है कुछ, और साथ ही साथ क्लासरूम। यहाँ पे क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो रहा है ठीक है। कितने बजे का है पेपर? पेपर तो चालू है। अच्छा पेपर शुरू है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है? चलिए वापस चलते हैं। यहाँ पे सर है मेरे पास, फाले सर, फाले सर हाय बोल दीजिए बच्चों को, ठीक है। अच्छा हियर, ठीक है, यहाँ पर बच्चे हाय बोल रहे हैं। कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है यहाँ पर, क्लासरूम्स है यहाँ पे, और साथ ही साथ एक हॉल भी है, सेमिनार हॉल इस पर्टिकुलर विंग के अंदर। ऊपर से अगर हम देखते हैं तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, थोड़ा डर भी लगता है। हम अभी ये थर्ड फ्लोर से ये वीडियोग्राफी कर रहे हैं। चलिए अब नीचे उतरते हैं और नेक्स्ट बिल्डिंग में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देख लेना कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे बैठा हुआ है, बिकॉज मुझे
ITCT और CSC ये तीन डिपार्टमेंट है और इसकी लैब भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपकी जो क्लासेस लगने वाली है वो ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली है और लैब्स आपकी सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर हैं मैक्सिमम। यहाँ से आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे अभी ग्राउंड फ्लोर पे हैं और यहाँ से भी एक रास्ता जाता है। चलिए बाहर निकलते हैं हम यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से राजीव गांधी IT कॉम्प्लेक्स से, अब चलते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग की ओर और वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ और बहुत पुराना पेड़, इस पेड़ को काटा नहीं गया, ये बिल्डिंग इतनी सुंदर होने के बावजूद भी ये एक अच्छा चीज़ दर्शाता है कि हम लोग कितने एनवायरमेंट फ्रेंडली है यहाँ पर। और यहाँ से अगर हम सीधा चलते हैं तो एक चौराहा आएगा, एकदम बीचों बीच का चौराहा है ये, जहाँ पर कभी कभी कुछ स्किट्स होते हैं, बच्चे यहाँ पे स्किट परफॉर्म करते हैं, कुछ फ्लैश मॉब होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ पे? आप लोग वहाँ से आए, मुझे दिखा और मैंने आपको कैप्चर भी किया हूँ सभी को। हाँ ऑफ डे है लेकिन वहाँ पे सांप रहते हैं, फिर कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं बेटा, अगले बार से केयर करो ठीक है। चलो चलिए थोड़ा सामने जाते हैं। तो ये जो राइट साइड में आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये है लाइब्रेरी, कॉलेज की सेंट्रल लाइब्रेरी। और ये जो बिल्डिंग दिख रही है सामने में, ये ओल्ड सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग थी, बट अब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पहली बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है। सामने में यहाँ पे मैडम आ रहे हैं, मैडम आप हाय बोल सकते हैं। आज एक व्लॉग ले रहा हूँ मैं कम्प्लीट पूरे कॉलेज का, जो डालने वाला हूँ, बच्चों को बिल्डिंग्स पता नहीं इसलिए मैं ये व्लॉग ले रहा हूँ। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच मैम। अब यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो देखिए आपको ये बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग के सामने में लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शिफ्ट हो चुका है, मैंने आपको बताया हूँ। और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है। अब यहाँ पे तीन फ्लोर की बिल्डिंग है, तो तीन फ्लोर पे तीन अलग अलग डिपार्टमेंट है इस बिल्डिंग के अंदर। इस बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे अमानता टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी है और तीन डिपार्टमेंट है, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, और एक डिपार्टमेंट है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और तीसरा डिपार्टमेंट से IIoT मतलब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। तो ये तीन डिपार्टमेंट इस बिल्डिंग में आपको दिखेंगे। थोड़ा अंदर से देख लेते हैं बिल्डिंग को। तो यहाँ पे अगर हम आए हैं तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, इसके नीचे बेसमेंट भी है। अभी बिल्डिंग का काम शुरू है, थोड़ा सा मिल लेते हैं कुछ लोगों से हम यहाँ पर, कुछ स्टाफ फैकल्टी बैठती है यहाँ पे, तो उनसे थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं और बात कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा ब्लॉगिंग शुरू है, आप हाय बोल सकते हैं। मैडम IIoT का और रोबोटिक से क्लासेस कहाँ पे होती है क्या इस बिल्डिंग में? फर्स्ट फ्लोर में IIoT की होंगी और सेकंड फ्लोर में रोबोटिक्स। और AIDS ग्राउंड, अच्छा बेसमेंट पे जाएगा और इस फ्लोर पे रहेगा, ये ग्राउंड और बेसमेंट पे है, इट इज AIDS रोबोटिक्स है सेकंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे IIoT। तो यहाँ पे अर्चना मैम और बोगौर मैडम है जिन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, सो आप लोग थैंक यू बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। रोबोटिक्स कोऑर्डिनेटर से भी हम बात कर लेते हैं। हेलो मैडम, आप हाय बोल सकते हैं बच्चों को। अच्छा मैम, कौन से फ्लोर पे आप एक्चुअली बताएंगे रोबोटिक्स और AIDS की लैब्स और क्लासरूम है? AIDS की लैब्स है बेसमेंट में और रोबोटिक्स की क्लासेस एंड लैब्स है। रोबोटिक्स की थ्योरी क्लासेस सेकंड फ्लोर में रहेगी, कुछ लैब्स सेकंड फ्लोर में और कुछ है थर्ड फ्लोर। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच मैम फॉर द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे दिव्या मैडम भी है, दिव्या मैडम भी यहाँ पे कवर हो रही है। चलिए अभी इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और सामने देखते हैं कि और कौन सी बिल्डिंग्स है। पार्किंग एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कि कार पार्किंग एरिया है स्पेशली, और स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं। थोड़ा सामने चलते हैं कि ये राइट साइड पे जो बिल्डिंग दिख रही है ये है लाइब्रेरी की बिल्डिंग, सेंट्रल लाइब्रेरी है। अभी यहाँ पे थोड़ा काम शुरू है और फर्स्ट फ्लोर पे आपको कंप्लीट सेंट्रल लाइब्रेरी दिख जाएंगी जहाँ से आप बुक इशू करवा सकते हैं। ये सेंट्रल लाइब्रेरी प्रियदर्शनी कॉलेज की, आप यहाँ पे आके पढ़ भी सकते हैं और बुक्स भी इशू कर सकते हैं। सो ये PC की पेरिसी लाइब्रेरी, यहाँ पे थोड़ा काम भी शुरू है और अरेंजमेंट शुरू है। यहाँ अंदर चलते हैं जहाँ की लाइब्रेरी इंचार्ज बैठते हैं महेश सर, उनसे भी हम रूबरू हो जाते हैं और बात कर लेते हैं। यहाँ से बुक शेल्फ्स दिख रहे हैं आपको, और अगर हम अंदर जाते हैं तो महेश सर हमको दिखेंगे। बच्चा बेटा हाय बोल सकते हैं आप? ठीक है चलिए, महेश सर हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। महेश सर हाय। सर मैं स्पेशली ये ब्लॉग बना रहा हूँ कॉलेज के बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हमारे इस लाइब्रेरी में कौन कौन सी डिपार्टमेंट के बुक्स है और क्या क्या फैसिलिटी है, सर प्लीज़ आप एलाबोरेट कीजिएगा। सर हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर छोड़ के
और बायोटेक और केमिकल का छोड़ के बाकी सारी ब्रांच में बुक्स सामने। अच्छा अच्छा, फर्स्ट ईयर सिविल इलेक्ट्रिकल, ये उस लाइब्रेरी में जो पहली लाइब्रेरी वहाँ पर है, पहले बिल्डिंग के अंदर, वहाँ पे तो सिविल और इलेक्ट्रिकल के है लेकिन यहाँ पर भी है। अच्छा, यहाँ भी आपको मतलब यहाँ से भी बच्चे इशू करवा सकते हैं? हाँ, सिविल और इलेक्ट्रिकल के कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आधे किताबें रखे हैं और कुछ किताबें यहाँ पे रखे हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। सर और क्या फैसिलिटी है और मतलब कितने बुक्स हैं यहाँ पर, आप बता सकते हैं? वैसे तो सर हमारे यहाँ पूरे टोटल बुक्स हैं 1,06,521 किताबें। बाप रे, 1,00,000 के ऊपर बुक्स हैं, बाप रे, पूरे तीनों कॉलेज मिला के। अच्छा, और उसमें से फर्स्ट ईयर का पूरा 26,000 से ज़्यादा उधर में है फर्स्ट ईयर में, और 5,000 किताबें उधर बायोटेक और केमिकल के हैं, और बची हुई पूरी किताबें कम से कम 1,90,000 शायद किताबें हमारी इस सेंट्रल लाइब्रेरी में। बाप रे, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हैं, इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है तो डेफिनेटली इसका फायदा उठाइए। मैम आप भी हाय बोल सकते हैं, ये भी एक्टिव मेंबर है मतलब इस लाइब्रेरी के। मैम थैंक यू सो मच, मैम चलिए, थैंक यू सो मच सर। अब निकलते हैं इस बिल्डिंग से और जाते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग में कि और डिपार्टमेंट्स को चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं इस कॉलेज के अंदर। ये न्यूज़पेपर सेक्शन लाइब्रेरी का, चलिए बाहर निकलते हैं और अब नेक्स्ट बिल्डिंग की ओर जाते हैं। अब ये जो आपको मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बिल्डिंग दिखाया था और रोबोटिक्स और AIDS, इसके पीछे एक और बिल्डिंग है जिसके रास्ता यहाँ से भी जाता है सामने से अगर आप देखेंगे, या फिर लेफ्ट साइड से भी जाता है जहाँ से हम आए थे, तो इसके जस्ट अपोजिट में वो बिल्डिंग है। तो बेटर वे हम यहाँ से रास्ता पकड़ते हैं और उस बिल्डिंग की ओर जाते हैं। अच्छा, ये कॉलेज का जेरोक्स सेंटर है, यहाँ पे आप आके जेरोक्स निकाल सकते हैं जो कि AIDS बिल्डिंग के अंदर ही है। और चलते हैं सामने में, यहाँ पे सामने में देखिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अकदास है, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। थैंक यू सर। अच्छा, और ये भी बच्चे हैं यहाँ पे घूम रहे कॉलेज में। सामने चलते हैं, सामने में तीन डिपार्टमेंट और हैं इस बिल्डिंग के जो कि अपोजिट है बिल्कुल भी, मतलब बैक साइड में है कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्डिंग के, और इसका सामने से हम एंट्री करेंगे। तो ये तो बैक साइड है, वैसे यहाँ से भी आप इन कर सकते हैं, डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर पे आप पहुँच जाएंगे, बट हम सामने से जाते हैं यहाँ से। और बच्चों की गाड़ियाँ भी रखी है, पार्किंग का ये स्लॉट है इस बिल्डिंग के लिए, हर एक बिल्डिंग के सामने में पार्किंग स्लॉट भी रखा हुआ है। और बिल्डिंग के सामने ही फिर एक कैफेटेरिया है जो कि बच्चों का फेवरेट पॉइंट रहता है, तो ये कैफेटेरिया विंक जी लिखा हुआ है जिसके सामने में, बट हम पहले बिल्डिंग पे जाएंगे। यहाँ पे बैठे हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जिन्हें मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ और ये मेरे ब्लॉग में आ चुके हैं आज के। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, रिसेस के टाइम पे, तो यहाँ पे क्यों बैठे हैं? आपको तो कैंटीन में जाना चाहिए। अच्छा, उसी से आप अपना खुद का पेट भर ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे रोहित भी दिख रहा है जो कि मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। चलिए अभी चलते हैं इस बिल्डिंग में और आपको मैं फ्लोर वाइज डिपार्टमेंट बता देता हूँ। ये जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे आए हुए हैं, यहाँ पे एरोनॉटिकल के लैब्स हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको यहाँ पे एरोनॉटिकल का डिपार्टमेंट दिखेगा जहाँ पे उनकी लैब्स क्लासरूम्स बाकी भी हैं। सो ये हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच चुके हैं, फर्स्ट फ्लोर पे कंप्लीट एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट। अगले फ्लोर पे चलते हैं, नेक्स्ट फ्लोर पे है ETC डिपार्टमेंट, सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इस फ्लोर के ऊपर। तो यहाँ पे लैब्स और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। सो दिस इज सेकंड फ्लोर, और यहाँ पे देखिए मैम दिख रहे हैं, वराडे मैम और अवनी मैम, हाय बोल सकते हैं मैम आप लोग। मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ जहाँ पे हर एक बिल्डिंग में कौन से बिल्डिंग में कौन सा डिपार्टमेंट बैठा हुआ है वो बताने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, तो ये फ्लोर तो हमने कवर कर लिया है, अगला फ्लोर चलते हैं। अगले फ्लोर पे आपको मिलेगा इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, इसी तरह का मतलब स्ट्रक्चर है, बस डिपार्टमेंट है उनके अलग अलग लैब्स हैं। सो इस फ्लोर के ऊपर दो पार्ट में बटा हुआ है ये फ्लोर, यहाँ पे यहाँ पे ETC की क्लासेस होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट दिख रहे हैं यहाँ पर क्लासरूम के अंदर, हाय बोल सकते हैं आप लोग मुझे। वेरी गुड, चलो वेरी गुड, बढ़िया। आप इसके बाद यहाँ पे जो है राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये दिस इज़ EC डिपार्टमेंट, हाय बोल दीजिए आप लोग, ब्लॉग शुरू है। हेलो। तो ये EC डिपार्टमेंट, उनका ये फैकल्टी रूम है और HOD रूम भी है यहाँ पे।
तो हम ऊपर जाते, तो इस फ्लोर पे तो क्लासरूम है और नीचे में लैब्स हैं। हम ऊपर वाले फ्लोर पे जाके देखते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर पे क्या है। तो हम यहाँ पे फोर्थ फ्लोर पे पहुँच चुके हैं जो कि कम्प्लीटली ईसी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे लैब दिख रही है आपको और क्लासरूम भी है और क्लासेस शुरू है। रतकंटीवार मैडम है यहाँ पे क्लास लेते हुए। क्लासरूम में प्रॉपर पर्दे लगे हुए हैं और सामने से कवर करते हैं हम और कुछ नज़ारा कॉलेज का। तो ये तो क्लासरूम है, डायरेक्टली आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हाय बोल सकते हैं आप। चलिए तो यहाँ से हम अगर व्यू देखते हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ से भी एलोबरेट कर देता हूँ कि ये जो बिल्डिंग थी, जो ओल्ड सिविल बिल्डिंग थी जहाँ पे AIDS, IoT और रोबोटिक्स है, और ये जो बिल्डिंग में मैं अभी खड़ा हूँ, इस बिल्डिंग के अंदर भी तीन डिपार्टमेंट है, एरोनॉटिकल, EC और ETC। तो यहाँ से चलिए हम नीचे उतरते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा। और कुछ बिल्डिंग्स भी बची हैं अभी दो तीन, उन्हें भी कवर कर लेते हैं। चलिए इस रास्ते को भी हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे छाता बना रहा है एक बच्चा, बारिश शुरू हो गई है। सामने से ये स्विमिंग टैंक की ओर से रास्ता जाता है जो कि एरोनॉटिकल बिल्डिंग, ETC और EC डिपार्टमेंट की ओर जाता है। ओल्ड कैफेटेरिया की तरफ रोड है ये। ये हम आ गए हैं अभी स्विमिंग टैंक की तरफ, थोड़ा देख लेते हैं अंदर एग्जैक्टली कैसा है करके। अभी तो सूखा हुआ है और स्विमिंग पूल जो है ये अभी शुरू होने का है। जब भी शुरू होगा तब हम आएंगे डेफिनेटली यहाँ पे और एक यहाँ पर भी एक ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे। तो दिस इज द स्विमिंग टैंक ऑफ PC, अभी मेंटेनेंस में गया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम बाहर निकलते हैं, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ भी बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? अच्छा बारिश आ रही है, सर रुके हुए हैं। ठीक है चलिए अभी चलते हैं सामने इस पाथवे से जो स्विमिंग पूल के सामने से जाता है ओल्ड कैफेटेरिया की तरफ। हाय बोल दीजिए। ठीक है यहाँ भी गार्ड बैठे हुए रहते हैं, हाय बोल दीजिए आप। ये है हमारा ओल्ड कैफेटेरिया और यहाँ से सीधा आप जाएंगे न्यू कैफेटेरिया की तरफ। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? क्या शुरू है यहाँ पे? चिलिंग सर। अच्छा चिलिंग, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर कुछ बोलना चाहेंगे आज के ब्लॉग्स में आप? प्रवीण सर बोलेंगे। बोलिए। सर तुम्ही अतिशय उत्कृष्ट अशी ब्लॉगिंग करता। अच्छा ब्लॉगिंग करता, एकदम आवडते आम्हाला सर्वांना। अच्छा बघितलंय का तू? बघितलंय सर, तुमचे खूप ब्लॉग बघितले। अच्छा ये एक अलग ही एरिया यहाँ पे लेकिन साफ आते थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने खुद जाते हुए देखा हुआ है लगुन की तरफ। तो यहाँ हिसाब से बैठिएगा केयरफुली। ओके चल ठीक है, बाय बाय। नहीं मैं हर एक पार्ट को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ इससे थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। और थोड़ा सीधा जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे अभी नाग मंदिर रहेगा। मतलब स्टूडेंट्स मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं मैं अगर ब्लॉग बना रहा हूँ यहाँ पे तो, और भाग रहे हैं ताकि वो मेरे ब्लॉग्स में ना आए। यहाँ से आता है नाग मंदिर, इसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अभी कैफेटेरिया में चलते हैं। विंग जी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये प्रियदर्शनी कॉलेज की कैंटीन है। और ये जो कैफेटेरिया है सामने में पड़ेगा एरोनॉटिकल बिल्डिंग के, ETC और EC जो बिल्डिंग है उसके सामने में। कैफेटेरिया बहुत बड़ा है, देखते हैं आज क्या अवेलेबल है कैंटीन के अंदर। में हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, हाय बोल सकते हैं आप लोग। आज के ब्लॉग्स में आप आने वाले हैं स्पेशली। देखिए यहाँ पर कैंटीन आपको खचाखच भरा दिख रहा होगा, ये सबसे मीटिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स का जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। शायद रिसेस भी शुरू है, मैक्सिमम बच्चे आपको यहाँ पर दिखेंगे और इसको कवर करते हैं। तो कैंटीन में ज़्यादा लोग दिख रहे हैं मेरे ख्याल से, क्लासरूम से ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। और म्यूज़िक भी शुरू हो गया है, शायद प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। कोई अकेले थोड़ी कर सकते, कोई गरबा करने के लिए पूरा टीम लगता है कंप्लीट, उसमें मज़ा आता है। अकेले गरबा करें तो कोई मतलब नहीं होता है, तो जनरली मैं गरबा किया रहता है। से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सामने जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे कैफेटेरिया की ओर आ रहे हैं, एक व्लॉग शुरू है, आप लोग हाय बोल सकते हैं। ठीक है चलिए यहाँ से अगर आप राइट साइड में जाते हैं तो स्विमिंग पूल आता है जो कि पहले बिल्डिंग को कनेक्ट करता है, और लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो आपको AIDS और रोबोटिक्स की बिल्डिंग मिलेगी। हाय बोल सकते हैं आप लोग, व्लॉग्स में आ रहे हैं। चलिए सीधा चलते हैं। और अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक और केमिकल इंजीनियरिंग, ये तीन डिपार्टमेंट अभी हमारे बाकी हैं, उन्हें भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ पे मजा लेते हुए कैंपस का। हेलो बोल दीजिए। हेलो हेलो हाय। हाँ, ये दो बिल्डिंग के बीच में भी गैप है, बहुत बड़ा स्पेस बीच में AIDS बिल्डिंग और एरो बिल्डिंग के बीच में। अभी फिलहाल हम चौराहे पे हैं PC के, जो आपको बताया था। अच्छा रितेश आ रहे हैं यहाँ पे। हेलो रितेश, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। अच्छा ठीक है, कहाँ घूम रहे हैं रितेश आप? अभी सर जा रहे हैं थोड़ा गर्लफ्रेंड से मिलने। अच्छा गर्लफ्रेंड से मिलने रहे, ये कवरेज में आएगा? ठीक है, चलिए यहाँ से सीधा चलते हैं। बच्चे इतने फ्रेंडली है मेरे से कि अपने गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे बता देते हैं कि वो मिलने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप सीधा जाएंगे तो एक और बिल्डिंग आपको दिख रही है, जो कि पहले इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग थी, बट अभी वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी आने वाला है और केमिकल इंजीनियरिंग। तो सामने वाली बिल्डिंग इन फ्यूचर बायोटेक और केमिकल के लिए रहेगी। ओके, तो उसको भी हम अंदर से देख लेते हैं। बट अभी फिलहाल जो थर्ड सेम और फिफ्थ सेम है और सेवन्थ सेम, तो वो सब बैठ रहा है PIT वाली बिल्डिंग में, वहाँ पे हम सबसे लास्ट में कवरेज लेंगे। मैंने यहाँ पे जेरॉक्स सेंटर आपको बताया था, वहीं से हम अभी यहाँ पे जा रहे हैं सामने की ओर। और ये जो बिल्डिंग है इन फ्यूचर रहेगी बायोटेक के लिए और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो इस बिल्डिंग को तो हम क्रॉस कर लेंगे अभी। तो इस बिल्डिंग से हम बाहर निकलते हुए सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग। और यहाँ पे एडमिन ब्लॉक भी है, जहाँ पे ऑफिस है कॉलेज का, जितने भी स्टूडेंट्स को फीस रिलेटेड काम होता है, एग्ज़ाम फॉर्म होता है, सब चीज़ें इस बिल्डिंग में होती है बैक साइड में। उस एरिया को भी हम कवर करेंगे। और आपको यहाँ पे एक लॉन दिख रहा है, PC का लॉन है ये, बहुत बड़ा लॉन और बहुत सुंदर, जहाँ पे आपको एरोप्लेन दिखेगा। ये एरोप्लेन कॉलेज की शान बढ़ाता है इस PC लॉन के अंदर। बहुत ही सुंदर सा लॉन यहाँ पे देखिए, पूरा ग्रीन है कम्प्लीटली। यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, वॉलीबॉल की मैचेस भी होती हैं, टग ऑफ वॉर्स होते हैं, और कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पे होता है। बहुत बड़ा कल्चरल प्रोग्राम होता है इस कॉलेज में अश्वमेध नाम से। और ये जो बिल्डिंग दिख रही है सामने में, यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। इसको हम सामने से इसका कवरेज ले लेते हैं पूरे बिल्डिंग का। और यहाँ पे पेड़ बहुत दिख रहे हैं, तो आपको बिल्डिंग तो नहीं दिखेगी, बट ये बिल्डिंग है जो कि मेन बिल्डिंग है, जिसमें एडमिन ब्लॉक भी है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी है। प्रिंसिपल सर का भी ऑफिस है और साथ ही साथ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट भी है, आप वहाँ पे जाके मिल सकते हैं। बैक साइड में ये स्टूडेंट्स एरिया है, जहाँ पे अगर आपको फीस भरनी है, एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप भर सकते हैं। ये हो गया स्टूडेंट सेक्शन। पार्किंग स्लॉट दिख रहा है आपको यहाँ पर हरियाली के साथ। मैक्सिमम डिपार्टमेंट तो मैंने आपको बता दिए हैं, अब चलते हैं लास्ट टू डिपार्टमेंट जिसकी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं PIT बिल्डिंग में। लेकिन जो क्लासेस हैं बायोटेक की और केमिकल इंजीनियरिंग की, वो शिफ्ट होगी, बट वो इन फ्यूचर होगी। बट फिलहाल में बायोटेक और केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर PIT की बिल्डिंग में जाना पड़ेगा क्लासेस के लिए। यहाँ से करीब करीब आधा किलोमीटर चलना पड़ता है, उसके बाद वो बिल्डिंग आती है। और एक ऑडिटोरियम भी है PC का, उसको भी मैं आपको बता दूंगा। इसी रास्ते से अगर हम सीधा जाते हैं तो ये आर्किटेक्चर बिल्डिंग मिलती है, दैट इज़ वेलकम टू PRs लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर कॉलेज है ये, अंदर से भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। मैंने इसका एक कवरेज लिया हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि स्पेशली इसके कैंपस को मैंने कवर किया हूँ। आर्किटेक्चर बिल्डिंग से थोड़ा सामने जाते हैं तो देखें यहाँ पे PIT नॉलेज सेंटर लिखा हुआ है। इसी के सामने में एक बिल्डिंग है जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो यहाँ से पहले अगर हम राइट लेते हैं तो आपको PC का ऑडिटोरियम दिखेगा, जहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन कॉलेज के होते रहते हैं। तो पहले मैं उसको दिखा देता हूँ आपको, और उसके बाद लास्ट में हम दो डिपार्टमेंट कवर करते हैं, केमिकल और बायोटेक। तो यहाँ से हम अगर राइट लेते हैं, थोड़े दूर पे ही ऑडिटोरियम है जो कि फ़िलहाल अभी बंद है, तो भी हम सामने से थोड़ा सा कवरेज ले लेंगे। इसके पहले भी मैंने ऑडिटोरियम को मेरे पिछले व्लॉग्स में कवर किया हूँ, वो आप देख सकते हैं। एक सुंदर सा पाथवे यहाँ पे जो ऑडी की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड से एक रास्ता जाता है जो कि आप इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं और एक सामने से भी एंटर हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो देखिए ये है हमारा ऑडी PC का। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं और सेमिनार्स होते रहते हैं, अभी तो फ़िलहाल लॉक लगा हुआ है इसमें। और ऑडी से ही अगर हम देखते हैं सामने में जो रास्ता यहाँ से जा रहा है, ये बिल्डिंग के अंदर जाता है। और इस बिल्डिंग के अंदर दो डिपार्टमेंट है जो हमको कवर करने हैं अभी, तो हम यहीं से चलते हैं और इसके बाद फिर मैं इसका आपको सामने का गेट दिखाऊंगा। ये थोड़ा शॉर्टकट वे है, ऑडिटोरियम के बाद एक दूसरा रास्ता इस बिल्डिंग का, दूसरी ओपनिंग। ये कॉलेज की सबसे सुंदर बिल्डिंग है और बहुत अच्छी बिल्डिंग है। और यहाँ पे आपको दो डिपार्टमेंट दिखेंगे, यहाँ पे जो राइट साइड में अगर हम यहाँ देखते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ
बायोटेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। तो ये डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का और इसके ऊपर के फ्लोर पे इसकी क्लासेस चलती है। तो आई सपोज आपको क्लियर है। और ये बिल्डिंग देखिए कितनी सुंदर है और सिमेट्रिक बिल्डिंग है कम्प्लीटली। और इसका मेन एंट्रेंस हम देखेंगे, यहाँ से सीधा दिख रहा है, वहाँ भी हम जाएंगे। बायोटेक डिपार्टमेंट के बाद हम चलते हैं अभी केमिकल डिपार्टमेंट की ओर। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है बैठे हुए, उनसे पूछ लेते हैं हम कि केमिकल डिपार्टमेंट कहाँ पे, बिकॉज एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है। आप लोग बता सकते हैं केमिकल डिपार्टमेंट कहाँ पे है? अच्छा, इस साइड में है, इस ग्राउंड फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे क्या है? वो भी केमिकल है। अच्छा, इसके ऊपर भी केमिकल है और यहाँ नीचे भी केमिकल है। देखिए, दिस इज केमिकल डिपार्टमेंट, बायोटेक के जस्ट बगल में ही है, तो आपको ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और ऊपर फिर क्लासेस चलती है यहाँ पे, ऊपर से भी एक व्यू हम ले ही लेते हैं बेटर वे। चलिए यहीं से चलते हैं। आप लोग हाय बोल सकते हैं, आज मेरे ब्लॉग्स में आप आने वाले हैं, ठीक है? चलिए, सतीश तिवारी, अच्छा जानते हैं ना आप लोग? चलो ठीक है, सतीश तिवारी चैनल पे आप देख लीजिएगा इसे। चलिए बाय बाय। चलिए अभी चलते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। केमिकल डिपार्टमेंट है, सीनो लैब यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्लासेस भी होती है और कुछ लैब्स भी है। यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं, आप लोग हाय बोल सकते हैं मुझे। कौन से डिपार्टमेंट से आप बता दीजिए? अच्छा, केमिकल फोर्थ ईयर के हैं ये स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे लिखा है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा, वेलकम भी लिखा हुआ है, ओके। वेलकम का स्पेलिंग बहुत ही अलग लिखा हुआ है, अलग बहुत डीप है वो एकदम स्पेलिंग। हाँ, ओनर ऑफ दिस वेलकम भावेश संभाल है। अच्छा, भावेश ने लिखा हुआ है क्या? भावेश बदनाम हो जाएगा ब्लॉग के अंदर, ठीक है। यहाँ पर बाकी बायोटेक के स्टूडेंट्स नहीं है क्या अभी? कौन है बायोटेक के? अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ पे है बेटा? नीचे है और ऊपर में है इस फ्लोर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे है। अच्छा, ये मेरे पीछे भी कुछ लोग हैं, इन्हें भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग हाय बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? चलिए, ओके। आप काले काले दिख रहे हैं वैसे सभी लोग, क्योंकि चलिए यहाँ पे गर्ल्स है, गर्ल्स को भी कवर कर लेते हैं। कौन से डिपार्टमेंट से बेटा आप लोग? बायोटेक से। चलो, अच्छा बात है, आप लोगों ने डांस किया था शायद। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डांस था। देखिए, हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे भी उतर चुके हैं डिपार्टमेंट देखने के बाद, और इसके मेन एंट्रेंस पे जाते हैं। मेन एंट्रेंस बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है और देखते हैं कि किस तरह का आर्किटेक्ट यहाँ पे है इस बिल्डिंग के सामने में। तो यहाँ पे हम बाहर निकल रहे हैं एक्चुअली मेन एंट्रेंस से। एक डोम दिखेगा, इस डोम में आवाज़ गूंजती है और यहाँ पे इंदिरा गांधी मैम की मूर्ति है, जिसको हम सामने से कवर करेंगे। आवाज़ मेरी गूंज रही होगी, आपको दिख रहा होगा, बीचों बीच अगर आप आते हैं तो और ज़्यादा आवाज़ गूंजती है। सो यह है प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी का स्टैचू बीचों बीच में यहाँ पे। तो इस बिल्डिंग से अगर हम बाहर निकलते हैं तो इस तरह का पाथवे आएगा कि जो हमारे फिर मेन बिल्डिंग की ओर जाता है। एक आपको सामने बाइक वाला दिखा होगा जो राइट साइड से जा रहा था, वो सेकंड एग्जिट और एंट्री गेट है, तो वहाँ से भी आप कॉलेज में आ सकते हैं। जो सेकंड वाला एंट्री गेट है वो आता है जयताला से, एक रोड आता है और एक शिवन गांव मतलब एयरपोर्ट होते हुए आता हुआ है। ये पीसी लॉन से हम अभी वापस जा रहे हैं और मेरा खाना भी होने का है। मैं ये कवरेज मतलब यहाँ पे ले रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे था। लेफ्ट साइड में CRPF कैंप है, और अभी सीधा चलते हैं। सीधा अगर आप चलोगे तो सीधा मेन गेट पे आप निकलते हैं यहाँ से, और ये कॉलेज के बिल्डिंग की साइड से मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको एरोप्लेन दिख रहा है, इसको मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। एक सुंदर सा यहाँ पे चित्र बनाया है बच्चों ने मिल के। चलिए, अब इस व्लॉग को हम ख़त्म करते हैं। मैंने आपको 15 डिपार्टमेंट जो अलग अलग बिल्डिंग्स में बैठते हैं उसका मैंने क्लियर आपको आइडिया दिया हूँ, और साथ ही साथ फर्स्ट ईयर कहाँ बैठता है, एडमिशन्स कहाँ होती है, बाकी सब भी मैंने अपने इस व्लॉग में कवर किया हूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।